मैंड्रिल बंदर मैंड्रिला स्फिंक्स एक बड़ा और रंगीन प्राइमेट है जो ओल्ड वर्ल्ड बंदर परिवार से संबंधित है। ये मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावनों का मूल निवासी है जो मुख्य रूप से कैमरून, कांगो और गैबॉन जैसे देशों में पाया जाता है। मैंड्रिल अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं जिनमें नीली लकीरों वाला रंगीन चेहरा, लाल नाक और लंबी कैनाइन शामिल हैं। मैंड्रिल बंदरों के बारे में कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। दिखावट, वयस्क नर मैंड्रिल मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं और उनका वजन 35 किलोग्राम 77 पाउंड तक हो सकता है और लगभग 60 सेंटीमीटर 24 इंच लंबा हो सकता है। उनके पास नीले, लाल और पीले रंग के विभिन्न रंगों के साथ एक रंगीन चेहरा है जो संभोग प्रदर्शन के दौरान पुरुषों में अधिक स्पष्ट होता है। सामाजिक संरचना, मैंड्रिल बड़े सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें भीड़ कहा जाता है, जिसमें कई वयस्क पुरुष, महिलाएं और उनकी संतानें होती हैं। इन समूहों में कई सौ व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। समूह के भीतर पदानुक्रम पुरुषों के आकार और प्रभुत्व से निर्धारित होता है। आहार, मैंड्रिल सर्वाहारी होते हैं, वे विविध आहार खाते हैं जिसमें फल, बीज, पत्ते, कीड़े और यहाँ तक कि छोटे जानवर भी शामिल होते हैं। उनके गल पाउच हैं जो उन्हें भोजन को स्टोर करने और ले जाने की अनुमति देते हैं। व्यवहार, वे दैनिक जानवर हैं जो दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं। मैंड्रिल्स अपना समय खाने की तलाश में, एक दूसरे को संवारने और सामाजिक मेल मिलाप में शामिल होने में बिताते हैं। उनके पास संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वरों और चेहरे के भावों की एक श्रृंखला है। संरक्षण की स्थिति, मैंड्रिल्स को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा निवास स्थान के नुकसान, शिकार और बीमारी के कारण असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण प्रयास उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। मैंड्रिल बंदर मैंड्रिला स्फिंक्स का जंगली में औसत जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष है। हालांकि कैद में मैंड्रिल लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, कुछ व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक तक हो सकती है। मैंड्रिल्स का जीवन काल विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें आनुवंशिकी, आहार, आवास की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच शामिल है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये औसत जीवन काल के अनुमान है और अलग अलग मैंड्रिल उनकी लंबी उम्र में भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई जानवरों की प्रजातियों के साथ मैंड्रिल का जीवनकाल विभिन्न खतरों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें आवास विनाश, शिकार और बीमारियां शामिल हैं। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य मैंड्रिल और उनके आवासों की रक्षा करना है ताकि उनका अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके और वे जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं उसकी समग्र जैव विविधता में योगदान कर सके।